हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रवांडा T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर किगली सीसी वर्सेस तेलुगु रॉयल्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर असम T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, इनके साथ साथ आपको यहाँ पर अरेबियन T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, साथ ही में ऐसे वुमेंस प्रीमियर लीग के वीडियोज भी आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच शाम को 5:30 पर गवांगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किगली रवांडा में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो ऐसे न्यूट्रल और बैलेंस रहेगी, हालांकि रन्स की बात करते हैं यहाँ पर रन्स अच्छे बनते हैं, 110 के प्लस आराम से यहाँ पर स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है आपको। बाकी चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहेगा, हालांकि एक चीज़ बताना आपको रह गया कि अगर यहाँ पर KCC पहले बैटिंग करवाई तो ये आंकड़ा यहाँ पर 200 के पार भी जा सकता है। अगर यहाँ पर TR पहले बैटिंग करवाती है, 200 के पास तो नहीं, ऐसे T10 है, तो यहाँ से KCC अगर पहले बैटिंग करवाई तो ऐसे 130-140 के पार भी आंकड़ा जा सकता है। TR की बात पहले बैटिंग आई तो 80-90 से 100 के आसपास स्कोर बनेगा, ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ऐसे KCC की बात करते हैं, तो KCC की बात करूँ तो इनके पास बैटिंग लाइनअप काफ़ी तगड़ी है, बहुत सारे ऑप्शन से ऐसे 5वें 6वें नंबर तक प्लेयर काफ़ी तगड़े हैं। ओपनिंग में ऐसा हमजा खान और ऐसे कजिम पटेल दोनों ओपनिंग करवाते हुए दिखेंगे आपको, दोनों ही इंपॉर्टेंस रहेंगे। इवन यहाँ पर हमजा खान की बात करो तो ये हमारे लिए सीधे कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे। 44 रन एक विकेट, 135 रन एक विकेट, 14 रन एक विकेट इन्होंने पिछली T20 के अंदर किए थे, इसके बाद इन्होंने T10 के अंदर भी यहाँ पर 33 रन एक विकेट 47, तो रेगुलर परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट प्लेयर है। एज अ प्लेयर के साथ यहाँ पर हमजा खान कैप्टन की चॉइस रहेगा, वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा। इनके अलावा से कजिम पटेल विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे लिए सीधी पिक है, इवन इस प्लेयर को भी आप लोग यहाँ से वाइस कैप्टन वगैरह कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, रेगुलर कंसिस्टेंट यहाँ से आपको परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। इनके अलावा ऐसे जकी हसन को बैटिंग सेक्शन से आप लोग लेके जा सकते हो, 37-43-30-33 जैसे स्कोर कंसिस्टेंट प्लेयर रहेंगे, क्योंकि हमें इस प्लेयर के इस मैच की बात करूँ तो इस टीम से हमें टॉप प्लेयर लेने, यहाँ पर 1-4 या 1-5 तक हमें पूरा टॉप प्लेयर उठाना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर टॉप के सारे प्लेयर्स को लेके जाएंगे। इनके अलावा ऐसे केल्विन वटुआ वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन ये बंदा भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की सही चॉइस है। तो ये जो 5 प्लेयर आपको बताया ना मैंने, यहाँ पर हमजा खान, कजिम पटेल, जकी हसन, मोहम्मद नादिर और केल्विन वटुआ, इसमें से हमजा खान और नादिर हुसैन ये बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के, ये कंसिस्टेंट है। बाकी रिस्क आप लोग यहाँ पर वटुआ के ऊपर ले सकते हो, इनके अलावा ऐसे कजिम पटेल के ऊपर ले सकते हो, बाकी ये 5वें प्लेयर आपकी टीम के अंदर जरूर चाहिए। इनके अलावा ऐसे डेविड उइमाना की बात करें, डेविड उइमाना कंसिस्टेंट नहीं है ये भी बैटिंग से, और बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा सा नीचे रहने की भी संभावना है, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंस वेल में रिस्क खेलो तो अभी ट्राई करिएगा। इनके साथ आएंगे हमारे पास यहाँ पर जीशान, जो कि वो भी ऐसे इनकंसिस्टेंट है, पिछली टूर्नामेंट के अंदर कुछ मैचेस जरूर खेले थे लेकिन परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहा था इनका, तो इनको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे। हम्माद अहमद को ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से एडवांटेज देगा, हालांकि बैटिंग से तो परफॉर्मेंस की उम्मीद थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन ओवर्स हर एक मैच के अंदर जैसे 1-2 ओवर्स पूरी करवा सकता है, तो इनको हम लेके जा सकते हैं। बात करें मोहम्मद मुस्तफ़ा ओके रहेंगे, आसिफ कनूरका को जरूर लेके जाना है, या फिर आप आसिफ कनुगा और फैज़ मीरान इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर 2-2 ओवर्स पूरी करवाएंगे और दोनों ही इनकंसिस्टेंट हैं। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ कितने मैचेस खेले, यहाँ पर 8 मैचेस खेले जिसमें से 3 मैच के अंदर ही विकेट मिली है। फयाज़ मीरान की बात करूँ तो इन्होंने भी 3 मैच खेले जहाँ पर सिर्फ 1 ही मैच के अंदर विकेट मिली है, तो वही बात है दोनों ही इनकंसिस्टेंट है, लेकिन ओवर्स दोनों ही 2-2 पूरी करवाएंगे ये पक्का है, तो आप दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह वहीं पर मिलने वाली है, और बेंच से भी कुछ प्लेयर वगैरह कुछ खेलते हैं तो इनके अपडेट वगैरह वहीं पर दे दूंगा मैं। और बात करते हैं हम लोग ऐसे तेलुगु TR की बात करते हैं, तो ओपनिंग में ऐसे संभा सेवाराव बोटला और यहाँ पर जिन बोस्को 2 ईजर है, तो ये दोनों प्लेयर ही है, इनके अलावा बैटिंग लाइनअप इनके पास कुछ नहीं है।
ये दोनों अगर आउट हो जाता है जल्दी तो इनका जो परफॉर्मेंस है आई थिंक यहाँ पर 60-70 रन के अंदर भी ऑल आउट हो सकते हैं अगर ये दोनों जल्दी आउट हो सकते हैं तो। अगर यहाँ पर बॉस्को टुई जीरे काफ़ी अच्छा प्लेयर है दिखेगा आपको, आई थिंक शायद यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से ही दिखेगा तो हम लोग लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर सिवा बोटला आपको बैटिंग सेक्शन से दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पिक, ये दोनों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। इनके अलावा आएंगे हमारे साथ यहाँ पर अमित सिवाभाई पटेल ने पिछली टूर्नामेंट के अंदर देख सकते हो आप लोग पहले 3-4 मैच के अंदर इन्होंने वन डाउन या ओपनिंग किया था, लेकिन इसके बाद इनकी 5 मैच के अंदर लगातार बैटिंग नहीं आई थी तो वही कुछ है। लेकिन यहाँ पर इनको चांस मिलेगा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नए हैं तो ये इस टीम की तरफ से थोड़ा बहुत खेला हुआ है तो यानी कि थोड़ा बहुत अनुभवी है तो इनको शायद जैसे ऊपर से खेलने का मौका मिल सकता है। रामू मोरमपुरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक, टीम की कप्तानशिप करवा सकते हैं क्योंकि पिछली टूर्नामेंट के अंदर ये भाई साहब ने कैप्टनशिप करवाई थी और आगे भी शायद यहाँ पर कैप्टनशिप वगैरह करवा सकते हैं। इनकंसिस्टेंट रहेंगे लेकिन यहाँ पर ये पूरी ओवर्स करवाएंगे, 1 या 2 ओवर्स की पूरी ओवर्स करवाएंगे और साथ में यहाँ पर बैटिंग से भी ऊपर आ सकते हैं तो यहाँ से रामू मोरमपुरी को आप लोग ट्राई जरूर करना। तो यहाँ पर देखो 3 प्लेयर इंपॉर्टेंस रहेंगे, संभा शिवाराव बोटला, इनके साथ ऐसे जीव मोस्को टुई जेरे और यहाँ पर रामू मोरमपुरी, तो इन तीनों को लेके जाना है। बाकी सारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगे। यहाँ पर गोपी कृष्णन की बात करो, गोपी कृष्णन भी यहाँ पर ठीक ठाक प्लेयर रहेगा लेकिन ये टॉप में जरूर खेलेगा तो इनको रिस्की तौर पर ट्राई करोगे। इनके अलावा वैसे सुयनिर भी यहाँ पर ऐसा ही है, इनका भी लास्ट मैच के अंदर बैटिंग आता था नहीं आता था ऐसा था, लेकिन यहाँ पर इनको चांस जरूर मिलेगा तो ये दोनों ही प्लेयर में से किसी एक के ऊपर आप लोग रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से व्यान मिटारी को आप लोग लेके जा सकते हो, ये कंसिस्टेंसी से 2 ओवर्स पूरी करवाएगा, वैसे अच्छा प्लेयर है और बॉलिंग से आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकता है तो इस प्लेयर को आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर नियोंगुरु को बात करते हैं, जोसुआ नियोंगुरु यहाँ पर ओवर्स वगैरह 1-2 ओवर्स पूरी करवाएंगे, इनको डिफरेंस वाले में ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसिम वे आर्नोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिक, ये बनता डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर चाहिए, कंसिस्टेंट है, हर एक मैच के अंदर जैसे 1-2 या फिर 2-3 विकेट लेता हुआ दिखेगा आपको तो यहाँ पर इनको लेके जाना है। लोकन दम को आप लोग लेके जा सकते हो, ऐसे पुसु पुलेटी लोकन दम, ये भी कंसिस्टेंट है, हर एक मैच के अंदर जैसे आपको 1-2 विकेट लेता हुआ दिखेगा। 11वां प्लेयर मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे ये सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स वगैरह कहीं पर मिले नहीं तो इनमें से कोई भी यहाँ से खेल सकता है और इनकी कुछ भी अपडेट कुछ भी रहती है, अगर कोई भी रिकॉर्ड वगैरह इनका मिलता है अगर लाइनअप में दिखते हैं तो इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा ताकि आपको भी आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें अगर विकेट कीपिंग सेक्शन की तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने 3 प्लेयर को लिया है, संभा सियावराव बोटला, जे तुई जेरे और यहाँ पर के पटेल हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर जकी हसन रहेंगे, इनके अलावा अदर चॉइस की बात करो तो अदर ऑप्शंस कुछ खास है नहीं तो आप लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर वाई मिटारी, एच खान, आर मोरमपुरी, मोहम्मद नादिर और यहाँ पर एच एहसान के साथ कैसे सी वटुआ को भी हम लोग लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ऑलराउंडर सेक्शन में सारे को लेके जाएंगे। आप लोग यहाँ पर अभी भी आसिफ कनुगा को भी ले सकते हैं। इनके अलावा बॉलिंग सेक्शन में आई आर्नोल्ड को लिया है, इनके अलावा आप लोग लोकन दम को ले सकते हैं। बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पर एफ मीरान है, इनको आप लोग रिस्की तौर पर ले सकते हो। टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी हमारी, कैप्टन रहेंगे हमारे यहाँ से हमजा खान, वाइस कैप्टन यहाँ से मोहम्मद नादिर रहेंगे। इनके अलावा पब्लिक चॉइस की बात करो तो पब्लिक का भरोसा यहाँ पर जकी हसन के साथ जा रहा है, कैप्टन वाइस कैप्टन इनको कर रहे हैं तो आप लोग अगर सेफ जा रहे हो तो इनको करना। और इनके अलावा यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए सी वटुआ बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, इनको ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर जे टू ई जे रहे, ये कुछ प्लेयर है जिनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे जो टीम है डेमो है, फाइनल मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए सर्च करिए फैंटासी डिसेंट चैलेंजर या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ, लेकिन इसके पहले आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आपको लगता है ऐसा कि अगर मेरी टीम से आपका लॉस हो रहा है तो भाई टीम को कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करो। देखो मेरी फ़र्ज़ इतनी है कि मैं यहाँ से आपको सारे प्लेयर्स की जानकारी दे सकता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि भाई सारी मैचेस मैं आपको जिताऊँगा। आज सुबह वाली असम की मैच हमारी थोड़ी सी खराब गई है, वैसे ऐसा नहीं है, देखो प्लेयर्स चले नहीं हैं,
जितने भी मैंने प्लेयर्स लिए थे सारे टॉप में ही खेले, लेकिन वो चले नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई मुझे आपको हरा के मुझे बहुत खुशी मिलती है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई हार जीत रहेगी, तो मैं किसी को भी ऐसे फोर्स नहीं करता कि मेरी टीम से खेलो ही। अगर आपको सही लगता है तो आपको लोग खेलो, लेकिन ब्लेम मत करो यार मुझे, और बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ भी बोल रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आपको लगता है कि मेरी टीम से आपका लॉस हो रहा है तो आप कृपया स्किप कर सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग टीम बना के खेल सकते हो। बाकी मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।